हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और सबको सुबह की राम राम जी। और मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है, लेकिन थोड़ा सा मूड मेरा ऑफ है तो नहीं बताऊंगी। आज दिन ना मंडे है और डेट मुझे याद नहीं है, कुछ भी डेट का कुछ भी पता नहीं रहता है। जब स्कूल जाते थे, कॉलेज टाइम, स्कूल वगैरह, तब डेट वगैरह दिन एकदम मतलब माइंड में बैठा रहता था कि आज ये डेट है, आज ये दिन है, याद रहता था। बट अब जो है ना, याद ही नहीं रहता डेट कितना है, टाइम क्या है, कुछ भी याद नहीं रहता है। और जैसा कि नवरात्रे आ रही हैं, दुर्गा पूजा आ रहा है, तो बहुत लोग की यहाँ तैयारी शुरू हो गई होगी, बहुत लोग के यहाँ माता रानी को भी बैठाया जाता होगा, स्थापित किया जाता होगा, तो तैयारियाँ तो शुरू हो गई होगी। और मैं बहुत जल्द आपसे दुर्गा पूजा का मेकअप लुक शेयर करना चाहती हूँ। कौन कौन देखना चाहता है मुझे पहले ये बताना, जो जितने ज़्यादा मुझे मैसेज मिलेंगे उतना ज़्यादा मैं शेयर करूँगी। और इतना अच्छा आपको मेकअप लुक मैं शेयर करूँगी फ्रेंड्स, कि कोई भी सिंपल तरीके से कर सकता है, किसी को भी कुछ भी बहुत ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एकदम सिंपल वे में आप इतना आकर्षक दुर्गा पूजा मेकअप लुक कर सकते हो कि आपको मैं बता नहीं सकती। लेकिन अभी फ़िलहाल इस ब्लॉग में मैं क्या बोल रही हूँ वो मैं उसकी वीडियो अलग से बनाऊंगी। अभी जा रही हूँ बस थोड़ा सा कुछ खाने होने, और आज हल्की सी लिपस्टिक मैंने लगा ली है। हमेशा लिप बाम लगाती थी, बट आज हल्की सी लिपस्टिक मैंने लगाई है, आप देख रहे होगे फेस पे। तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि थोड़ा सा आप ना अपने को मेकओवर करके आओ ब्लॉग में, तो ब्लॉग आपके चलेंगे। तो मुझे जैसे जैसे लोग सजेशन देते जा रहे हैं, मैं वैसा वैसा करते जा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ करने की, ताकि मेरे भी ब्लॉग चले, वायरल हों। तंग आ गई हूँ यार मैं अपने लाइफ से, बहुत ज़्यादा तंग आ गई हूँ। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ कि मैं क्या बताऊँ। मैं सोशल मीडिया पर सब चीज़ें बता भी नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा तंग आ गई हूँ सच में। चलो कुछ खावा लेते हैं, चाय वगैरह, नहीं तो बोलते बोलते कुछ निकल ना जाए मुँह से। तो फ्रेंड्स, चाय मैंने पहले ही बना ली थी, बट एक कॉल आ गया था जिस वजह से मैंने चाय बंद करके ढक के रख दी थी थोड़ी देर। तो बात कर ली है मैंने अब जिनसे बात करनी थी, इसके बाद मैं फिर से चाय थोड़ा सा गर्म कर लूँगी, इसके बाद थोड़ा सा नाश्ता वगैरह कर लूँगी, वही नमकीन वगैरह, मछली वगैरह वही है, तो वही नाश्ता कर लेंगे थोड़ा सा। और ये देखिए, बर्तन वर्तन सब मांज धो के एकदम क्लीन है मेरा सिंक वगैरह सब, तो वही मैंने कहा दिखा दें। तो चलो नाश्ता कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। नाश्ता मेरा हो गया है और ये रेडी हो रहे हैं जाने के लिए ड्यूटी पे, तो मैं यहाँ बैठ गई हूँ अपनी थोड़ी सब्जियाँ वगैरह काटने के लिए। तो बस कद्दू ही काट रही हूँ और इसी की दाल और चावल बनाने वाली हूँ मैं, और कुछ भी नहीं बनाऊँगी क्योंकि मन भी नहीं कर रहा था कुछ भी बनाने का, तो बस यही बनाऊँगी सिंपल वे में। यार कितना यार काम वम करके इतना थक जाओ, रोज़ का वही काम हम लोग का रहता है, कभी कभी बोरियत जैसा लगता है, रोज़ वही वही काम, तो मन नहीं लगता है कभी कभी, बड़ा अजीब सा फीलिंग सा आता है। लेकिन चलो ठीक है, काम तो करना ही पड़ेगा फिर भी। और मुझे मतलब कि ये आदत, मतलब मैं इसलिए उदास थी ना थोड़ा फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या सारे रिश्ते सिर्फ स्वार्थ के लिए होते हैं। आप कितना भी किसी के लिए कुछ भी कर लो, लेकिन लोग आपको चार बार सुना ही देते हैं, आपकी कोई कदर नहीं होती है। मैं ना मतलब कि मेरे पास सब कुछ है आप लोग को लगता है, लेकिन सब कुछ होते भी हो भी अगर कोई प्रताड़ना करता है या फिर कोई कुछ कह देता है ना, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ सी महसूस होती है मुझे। तो मैं क्या बोलूँ, मैं ज़्यादा आपसे समझा भी नहीं सकती हूँ यहाँ पे, तो इसलिए मैं थोड़ा सा उदास हूँ क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता कोई कुछ बोलता है। तो फ्रेंड्स, अब मैं फाइनली किचन में आ चुकी हूँ और यहाँ पे
थोड़ा सा मैं दाल वगैरह अपना निकाल रही हूँ और काम कर रही हूँ खाना बनाने का। और कोई भी रेसिपी आज मैं ब्लॉग में नहीं शेयर कर रही हूँ क्योंकि आज मैं कुछ खास बना नहीं रही, तो शेयर करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो चलो बस वही दाल बना रही हूँ, तो हल्का सा आपको दिखाती हूँ दाल शेयर करूँ। और आज बताना लाइटिंग कैसी है मेरे वीडियो की, क्योंकि आज मैंने ना तीन तीन बल्ब जलाया हुआ है तब जाके इतनी अच्छी लाइटिंग हो पाई है। और फ्रेंड्स यहाँ पर मतलब थोड़ा सा पेंट हो जाएगा ना तो लाइटिंग वगैरह सही हो जाएगी, पेंट नहीं है ठीक से इसलिए लाइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ लगती है, नहीं तो बाकी सब तो ठीक है। तो चलो खाना वाना बना लेती हूँ, फिर इसके बाद फ्रेंड्स आपसे मिलती हूँ। ठीक तो फ्रेंड्स देखिए मेरा देसी खाना बनकर रेडी हो चुका है, तो आइए आप लोग भी खाइए अगर आप लोग को दाल चावल पसंद है तो, मुझे तो बहुत पसंद है। तो खाना उना खाने के बाद फ्रेंड्स मैं इधर आ गई हूँ अपने कपड़े जो मैंने वॉश किए थे, आपने देखा होगा मैं आंगन में ऐसे मग में रख देती हूँ, फ्री होती हूँ तब उसको फैलाती हूँ। तो सूखे कपड़े सारे मैं अंदर रख दूँगी और जो भी मेरे धोए हुए कपड़े उनको मैं यहाँ पर अच्छे से फैला दूँगी। और ये एरिया जो है ये भी मेरा ही मतलब कि मेरे ही साइड में आता है ये जहाँ मैं कपड़ा फैलाती हूँ, लेकिन अभी यहाँ पे पूरा मेंटेन नहीं हुआ है, पूरा बना नहीं है। इधर पीछे साइड जो भी कमरे आप देखते हो ना, तो ये हम लोगों ने किराएदार के लिए बनवाने का सोचा है, लेकिन अभी पूरा बना नहीं है। जब भी कभी होगा, जब भगवान देंगे तब आगे का सब बनेगा पीछे का। तो यहाँ पर मैं किराएदार उठवाऊँगी, तो यही सोच के इन्होंने इस तरह बनवाया था। तो देखो कब होता है, धीरे धीरे ही सब होगा जब होगा। और चलिए कपड़े वगैरह फैला लेती हूँ, फिर इसके बाद आपसे बात करती हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो मैं आटे का डब्बा उठा रही हूँ, क्यों उठा रही हूँ क्योंकि मैंने आटा ना पॉलीथीन के सही थी इस डब्बे में रख दिया था, तो अब आटा काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है। तो थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है ना तो उसको निकालने में बड़ी दिक्कत होती है ऐसे पॉलीथीन से, तो मैंने सोचा थी कि पॉलीथीन से निकाल के डब्बे में ही आटा डाल देती हूँ। अब कल ही मंगाऊँगी और आटे, तब मैं इसमें डाल दूँगी और पॉलीथीन में रख देती हूँ संभाल के, क्योंकि कूड़ा वगैरह फेंकने के ना बहुत ज़्यादा काम आ जाता है पॉलीथीन, वरना फिर दिक्कत होती है। तो चलो फिर मिलती हूँ ये सब रख के। अब मैं थोड़ी सी बातें आपसे करने के लिए आई हूँ, तो बहुत ज़्यादा कुछ सवाल आ रहे थे, मतलब कि जो भी हमारे यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूबर दोस्त हैं, जो न्यू क्रिएटर्स हैं, जो जिनका चैनल अभी स्टार्ट हुआ है या जो काफ़ी टाइम से हैं यूट्यूब पे, तो वो कुछ बातें मुझसे जानना चाहते हैं, तो उन्हीं के डाउट क्लियर करने में आई हूँ। तो बहुत से मेरे सब्सक्राइबर भी हैं जो ये बात जानना चाहते हैं, क्योंकि वो मुझे कॉमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे इस टॉपिक पर भी वीडियो एक बना देनी चाहिए, ताकि जो भी आप लोग के सवाल है उसका भी जवाब आपको मैं दे दूं। तो सवाल ये है कि लोग जानना चाहते हैं कि मुझे किसने स्ट्राइक दी थी, किस वजह से दी थी और क्यों वापस नहीं ली उन्होंने, ये तीन चार सवाल लोग पूछते हैं। तो इसी के बारे में मैं आज आपसे बातें करने वाली हूँ, बताऊँगी सब कुछ। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि मुझे स्ट्राइक किसने दी थी। जो हिमाचल की एक बहुत बड़ी यूट्यूबर हैं, उन्होंने मुझे स्ट्राइक दी थी, बहुत बड़ी आप समझ सकते हो, उनके लाखों में व्यूज़ आते हैं और क्या कहते हैं
हाल ही में वो प्रेग्नेंट भी चल रही थी, लेकिन किन्हीं कारणों के वजह से नहीं हो पाया उनका सक्सेस प्रेगनेंसी, तो उन्हीं की मैं बात कर रही हूँ। आई थिंक आप समझ गए होंगे, थोड़ी सी मैं हिंट दे रही हूँ। मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरे इस चैनल को भी कोई प्रॉब्लम हो, इसीलिए मैं नहीं नाम ले रही हूँ। तो वो हिमाचल की बड़ी यूट्यूबर है, जिनकी सिस्टर की अभी हाल ही में मैरिज भी हुई है, तो आप लोग समझ गए होंगे पक्का। तो उन्होंने ही मुझे स्ट्राइक दी थी, और किस वजह से दी थी ये भी मैं बता देती हूँ। उन्होंने उनका मैंने टाइटल और उनका थंबनेल यूज़ किया था, मतलब मैंने टाइटल कुछ ऐसा भड़काऊ डाल दिया था और थंबनेल यूज़ किया था, इसलिए उन्होंने मुझे स्ट्राइक दे दी थी। और मैंने वीडियो बनाई क्यों थी ये भी आप लोग जान लीजिए, मैंने वीडियो उनके फेवर में बनाई थी। मतलब मेरे उस वाले चैनल पे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर ऐड थे, तो वो लोग मुझे मैसेज करते थे कि हिमाचल के जो बड़ी यूट्यूबर हैं वो फेक हैं, आप उन पे वीडियो बनाइए, हिमाचल की बड़ी यूट्यूबर जो हैं वो ड्रामे करती हैं, ऐसा करती हैं, वैसा करती हैं, आप उन पर वीडियो बनाइए। यार मैं फ्रस्ट्रेट हो गई थी, इतने ज़्यादा मैसेज वो लोग करते थे सुन सुन के, तो मैंने एक वीडियो उन पर बना ही डाली हिम्मत करके। तो एक वीडियो मैंने बना डाली, तो मैंने उस वीडियो में सिर्फ उनका पिक यूज़ किया था, और मैंने टाइटल जो कि उनके सब्सक्राइबर उनको भला बुरा बोलते थे कुछ कि फेक प्रेगनेंसी है फलाना ढिकाना ऐसे ही बोल के, मतलब कि मैंने टाइटल डाल दिया था, और वीडियो में मैंने उनके लिए अच्छी और सुंदर बातें ही बोली थी, उनके फेवर में ही बोली थी। और मैंने टाइटल इसलिए इस टाइप का डाला था ताकि कि वो लोग जानबूझ के आएँ, इसलिए मैंने ये टाइटल डाला था, वो लोग आएँ और मेरी वीडियोज़ देखें। मैंने वीडियोज़ में हमेशा उनके बारे में अच्छा बोला, बल्कि इनफैक्ट मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन रह चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा मैं उनको लाइक और पसंद करती थी, लेकिन उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। मैंने जब मेरे किसी दोस्त ने, मतलब हमारे टेक्निकल एक दोस्त हैं, उन्होंने उनसे जब पूछा कि आपने वीडियो देखे बिना किसी को स्ट्राइक कैसे दे दी, आपके बारे में किसी ने कुछ भी बुरा नहीं बोला, तो वो उनको रिप्लाई क्या करती हैं कि मेरे पास इतना टाइम है क्या कि मैं एक एक का वीडियो देखती फिरूँगी। उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि 2 साल की मेहनत है किसी की बेकार हो जाएगी, मोनेटाइज चैनल उसका बंद हो जाएगा, कुछ नहीं सोचा। चलो यहाँ तक तो ठीक है, मैंने चलो मान लेती हूँ मेरी ही गलती है, मुझे वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी। लेकिन जब मैं उनके पास गई, उनसे माफ़ी मांगने, मैंने इंस्टा पे माफ़ी मांगी, मैंने मेल भी उनको किया, अपनी सारी प्रॉब्लम जो कि मैंने आज तक बहुत ज़्यादा उजागर नहीं की है, वो सब भी उनसे सारी चीज़ें मैंने बोल दी, एक एक पॉइंट मैंने उनको बता दिया कि दी आप मुझे माफ़ कर दो, क्षमा कर दो, अपनी स्ट्राइक वापस ले लो। तब भी उनका दिल नहीं पिघला, उन्होंने अपनी स्ट्राइक वापस नहीं ली। मतलब वो मुझे कहती थी ओके मैं ले लूँगी, ओके मैं देखती हूँ क्या करती हूँ, ओके मैं देखती हूँ क्या करती हूँ, बट उन्होंने स्ट्राइक वापस नहीं ली, धोखे में रखा मुझे कि हाँ मैं कर दूँगी बट नहीं ली। स्ट्राइक जो होती है ना वो 7 दिन में ही वापस होती है, 7 दिन से ज़्यादा हो जाता है तो वापस नहीं होती है, ये रूल है। तो 7 दिन से ज़्यादा हो गया था तो फिर मैंने भी बोलना बंद कर दिया था कि इतना मैं क्या गिरूँ किसी के लिए, पर ठीक है। तो यही है कि आप अगर भलाई करने भी जाओगे ना तो वो भी जो है दरिया में ही डाल दो, क्योंकि आजकल भलाई का ज़माना बिल्कुल भी नहीं रहा है। आप किसी के बारे में अच्छा सोच के अगर कुछ कर रहे हो तो वो भी लोगों को पसंद नहीं आता है, तो आप लोग ऐसी गलती कभी मत करो। बहुत लोग आज भी यूट्यूबर्स, बड़े बड़े यूट्यूबर्स पे वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन कब किसका माइंड क्या हो जाए कुछ नहीं पता है, तो आप लोग भी ऐसी गलती मत करो, किसी भी बड़े यूट्यूबर्स पे वीडियो मत बनाओ, अपना खुद का कंटेंट चलाइए, खुद का अपना जो भी काम कर रहे हो, जो भी ब्लॉग बना रहे हो, जिससे रिलेटेड आपकी चैनल है उस पे काम करिए। किसी पे वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, व्यूज़ कुछ नहीं आते हैं ना सब्सक्राइबर उससे मिलते हैं। मैंने अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया है, मैंने देखा है, तो कुछ नहीं होता है उससे, सिर्फ अपने काम में जो है फ़र्क लाइए, और किसी को किसी का नाम यूज़ करके मत आगे बढ़िए, कुछ भी नहीं होता है। मैंने तो यूज़ भी नहीं किया था किसी का नाम, मैं तो वीडियो बनाती भी नहीं थी, लोगों के कहने पे बस मैंने एक वीडियो बना दी उनको जवाब देने के लिए कि नहीं वो फेक नहीं है, वो ऐसी नहीं है,
कोई भी माँ अपने बच्चे के लिए झूठ नहीं बोल सकती है, ऐसा ऐसा कह के मैंने उनके फेवर में वीडियो बनाई और उन्होंने मेरे साथ ऐसा कर दिया। चलो वैसे भी जो भी होता है अच्छा होता है, अच्छे के लिए ही थोड़ा बुरा होता है, यही सोच के मैं आगे बढ़ी और अब यहाँ तक पहुँची हूँ। आप लोग ऐसी गलती नहीं करना, बस यही बताने के लिए मैंने ये ब्लॉग बनाया, ये वीडियो बनाया है। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहा होगा, मुझे कॉमेंट करके बताना, ठीक है। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर।